अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ गुल किचन से। मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ आज भिंडी, ज़ीरे वाली भिंडी। आजकल क्योंकि गर्मी का मौसम है और भिंडी का यही मौसम होता है, इस मौसम में भिंडी आती है, भिंडी की तरकारी सब्ज़ी। तो भिंडी मुख्तलिफ़ किस्म से बनती है, लेकिन मैं आपको आज बहुत ही मज़ेदार और मुख्तलिफ़ किस्म की ये जो रेसिपी है आपको बता रही हूँ। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी मैं आपको बताती हूँ। आप आधा किलो भिंडी लें, उसको अच्छी तरह से वॉश करें, वॉश करके उसको खुश करें और फिर इसको इस साइज़ में ऐसे काट लें, बहुत ज़्यादा छोटी भी ना हो और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इसके पीस भी ना हो। उसके बाद आप लेंगे एक चाय का चम्मच ज़ीरा, दो खाने का चम्मच आप लेंगे इमली का पल्प और आधी प्याली से थोड़ा कम ही आप ऑयल लेंगे। ज़्यादा ऑयल ना लीजिएगा, लेकिन अगर जैसा आप लाइक करते हैं, अगर आप खाने में ज़्यादा ऑयल लाइक करते हैं तो एज़ योर विश, बट मैं यही करती हूँ कि खाने में ऑयल कम ही यूज़ हो तो अच्छी बात है। एक चाय का एक खाने का चम्मच आप कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच नमक। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि ऑयल गरम करेंगे इसको अच्छी तरह से। मीडियम आंच पे आपने ऑयल गरम करना है, ध्यान रखें ज़्यादा तेज ना हो। ऑयल अच्छी तरह से गरम हो जाए फिर आप इसमें ऐड करेंगे ये एक चाय का चम्मच हमने ज़ीरा लिया था, ज़ीरा इसको अच्छी तरह आपने थोड़ा ब्राउन करना है। इसमें प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं है, ये ओनली बस आपने ज़ीरा लेना है एक चाय का चम्मच, हाफ प्याली से कम आपने ऑयल लिया। अब आप ये भिंडी जो है ये मैंने काट के रखी थी, ये आधा किलो के करीब ही है, ये आप इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसको आपने फ्राई करना है जीरे के साथ। अब इसमें आप ऐड करेंगे हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, ये एक खाने का चम्मच रेड कुटी हुई मिर्ची, आधा चाय का चम्मच नमक। इसको हम थोड़ा फ्राई करें, याद रखें इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाएगा। तो आप फ्राई करें अच्छी तरह, थोड़ी देर इसको आप कवर कर दें थोड़ी देर के लिए, फिर मैं इसमें ऐड करूंगी अच्छा अब ये देखें मैंने 2-3 मिनट के लिए इसको कवर किया था, लेकिन अब मैं इसको कवर हटाकर ये थोड़ा आपके सामने
आपको देती हूँ। ये दो तीन मिनट तक इसको आप कवर करके रखिए। इसके बाद अब हमने क्या करना है, इसमें इमली का ये पल्प जो है ये सारा आपने इसमें शामिल कर देना है। ये बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी और स्पाइसी भिंडी आपकी ये तैयार होगी। इंशाल्लाह आप देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये डिश। इसको हल्के हल्के से आपने चम्मच से वो करना है, ज़्यादा ज़ोर से इसको नहीं आपने ऊपर नीचे करना, ताकि ये सारा इमली जो मैंने इसमें ऐड किया है इमली का पल्प, ये इसको सारा इसमें मिक्स हो जाए अच्छी तरह। ये अब इसको बहुत धीमी आँच पे आपने इसको 10-15 मिनट के लिए कवर करके आप इसको छोड़ दें। ये अब हम देखते हैं, ये देखिए, ये हमारी बेहतरीन मसाले वाली भिंडी तैयार है, ज़ीरे वाली और इमली के पल्प से जो हमने तैयार की। इसमें आपने बस ये ख्याल रखिए, पानी बिल्कुल नहीं डालना, पानी का छींटा तक नहीं लगाना, और इसको 25 से 30 मिनट आपने, अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, 25 से 30 मिनट आपने इसको रखना है हल्की आंच पर, धीमी आंच पर, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं कीजिएगा क्योंकि नीचे से जले नहीं। ये बहुत मज़ेदार सी, ये देखिए, ये हमारी ज़ीरे वाली भिंडी तैयार है, बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी। ये आप गरम गरम चपाती के साथ इसको सर्व करें और सलाद के साथ, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी मेरी ये रेसिपी। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे ज़रूर आप अप्रिशिएट करें और मेरी इस रेसिपी को शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं फिर दूसरी रेसिपी के साथ आपके साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।